मैम आपकी कॉफी। मुझे नहीं पीनी किसी प्रेग्नेंट औरत के हाथ की कॉफी। मैम एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप मुझे अप्रिशिएट करने की बजाय मुझे ऐसी बातें बोल रही हैं। और वैसे भी मेरे प्रेग्नेंट होने से आपकी कॉफी ना पीने का क्या ताल्लुकात है? तुम प्रेग्नेंट हो और इस प्रेगनेंसी की वजह से तुम बहुत इरिटेटेड रहती होगी, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तुम में, इसलिए तुम्हारा मन ही नहीं लगता होगा, मूड खराब रहता होगा। और खराब मूड से तुमने क्या अच्छी कॉफी बनाई होगी? मैम आप कॉफी पी की तो देखें। मुझे नहीं पीनी है ये कॉफी। मैम एक तो मैंने इतनी मेहनत से ये कॉफी बनाई है और आप मुझसे इस तरह से बात कर... मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? सॉरी मैम गलती से ऊंचा बोला गया, आप प्लीज बैठिए ना। अब तो मैं ये कॉफी ना बिल्कुल नहीं पीऊंगी, अब मैं कॉफी सांप वाले रेस्टोरेंट में जाके ही पीऊंगी। तो ठीक है मैम, ऐसा है अगर आपको ये कॉफी नहीं पीनी है तो इसके चार्जेस पे कर दीजिए। करो अब ये सांप, तुम इसी काबिल हो। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, एक तो मैं प्रेगनेंसी की हालत में भी इतना काम कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से मुझे ऐसे सुना के चली गई है और इतना नुकसान भी कर दिया है। जिसको आप बच्चा देने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कुछ फॉर्मेलिटीज आप बस साइन कर दीजिए। ठीक है कर देती हूं। हेलो डॉक्टर, वो सरोगेट मदर कहाँ है जो मुझे मेरा बच्चा देने वाली है? मुझे नहीं पीनी किसी प्रेग्नेंट औरत के हाथ की कॉफी। अरे यही है जो आपको अपना बच्चा देने वाली है। क्या ये वो औरत है जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, बहुत घटी औरत है ये और मैं इस औरत को अपना बच्चा नहीं देने वाली हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मैं 15 साल से बेऔलाद हूँ। मैं मानती हूँ कि पहले मुझे लगता था कि बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे एहसास हुआ कि बच्चे कितने जरूरी हैं। अरे एक महीना पहले कुछ झगड़ा करके मेरा हस्बैंड भी मुझे छोड़ के चला गया है और अब तुम कह रही हो कि तुम मुझे ये बच्चा नहीं दोगी? ये बच्चा मेरा सपना है और तुम मेरा ये सपना नहीं तोड़ सकती। डॉक्टर मैं इस औरत को अपना बच्चा नहीं दूंगी। आप दोनों एक बार शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है ना? हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। लुक तुमने ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, अब तुम्हें मुझे ये बच्चा देना ही पड़ेगा। तुम जानती नहीं हो कि मेरी पहुंच कहां तक है, अगर लीगल पचड़े में ले गई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ होगा क्या। और तुम भूल मत कि तू एक सरोगेट मदर है। अरे क्या फर्क पड़ता है तेरा बच्चा किसके पास जा रहा है, बच्चा देने के बाद तू कौन और मैं कौन? हाँ मैं हूँ तो एक सरोगेट मदर क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने इस बच्चे को ना 9 महीने अपने पेट में रखा है। माना कि ये बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा और मैं इसका ध्यान नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मैं ये तो कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा तुम जैसी घटी औरत के पास रहे। ये इतनी रूड है, इतनी बदतमीज है, पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या करेगी, इसलिए मैं ये बच्चा तुम्हें तो नहीं दूंगी। ये ना मेरी पर्सनल लाइफ है और तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना मैंने? अरे ये क्या कर रही हैं आप, प्लीज। भाड़ में गई तुम और भाड़ में गया ये कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ऊपर तक पहुंचा है ना तुम्हारी, लगा ली ऊपर तक पहुंच। मैं भी देखती हूँ मेरा बच्चा मुझसे कौन छीनता है। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बच्चा मेरा ख्वाब है और तुम मुझसे मेरा ख्वाब नहीं छीन सकती। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पैसा है, गाड़ी है, बस सिर्फ एक बेऔलाद होने का दुख है। और जब अब ये दुख दूर होने लगा है तो तुम ऐसे कर रही हो। प्लीज प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज ये बच्चा मुझे दे दो,
प्लीज। मेरी इसी प्रेगनेंसी की वजह से तुमने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करी थी ना, तेरा घमंड दिखाया था मुझे। अब तुम सारी उम्र बेऔलाद ही रहोगी और तुझ जैसी औरतें ना बच्चा डिजर्व ही नहीं करती। शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें आज तक बेऔलाद रखा है। दोस्तों, एक सैरोगेसी मदर की बिना अपने बच्चे के साथ उतनी ही फीलिंग जुड़ी होती है जितनी एक असली माँ की अपने बच्चे से जुड़ी होती है, क्योंकि सैरोगेट मदर भी बड़े नाजों से 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है। इसलिए कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा किसी गलत हाथ में जाए। इसलिए हमारी वीडियो में दिया गया ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।